हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बात करते हैं। तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हमें इस तरह से ग्राफ बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस इक्वेशन में हमें करना क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं इनिशियली कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दी है। तो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट बी। तो बी पर यह पहुंच जाता है पार्टिकल, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी रहता है वी। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट सी या कहें ओ से। तो बच्चों, इसको करना क्या होता है कि यहां पे हमें दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v माइनस यू अपॉन टी। अब इसके लिए देखिए कि इन दिस केस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट u इनिशियल है और v फाइनल है। अब दोनों वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इस केस के लिए दोनों एक जैसी रहेगी। तो यदि हम वैल्यू को पुट करते हैं कि v माइनस और u की जगह डाल देते हैं v, तो v अपॉन और टाइम हमारे पास यहां पे हमने रखा t और जीरो अपॉन t, तो रिजल्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास जीरो। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, किस से कर रहा है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से कर रहा है। किस वेलोसिटी से, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से ये हो जाएगा कि हमारे पास उसका जो वी है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, यू हमारे पास ये वेलोसिटी है ओ ए, इस कंडीशन में हमने ये मान लिया है कि ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट, ओ से ए पॉइंट तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू और बी पर पहुंचने के बाद हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इससे निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आता है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखना टाइम टेकन, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम ले रहे हैं टाइम और इसको ले रहे हैं हम यहां पर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और ये हमारे पास टाइम। तो डियर स्टूडेंट जरा देखना बोर्ड पे, मैं अगर इसको ऐसे भी कर दूं, ये पोर्शन हमारे पास इसका एरिया बन रहा है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, लेकिन v को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OA, OA means CD। अगर हम ये देखें कि हम ये निकालना है BD, तो BD को हम निकालेंगे यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी में आएगा BD, we have to find out, तो BD upon, और ये हो गया हमारे पास OC। तो यदि BD को निकालते हैं, तो BD को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, BC से CD को निकालेंगे। तो CD को यदि हम निकालते हैं, नीचे हो गया हमारे पास OC। देखिए BC कितना है, BC टोटल वेलोसिटी है फाइनल v माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u, v माइनस u अपॉन और टाइम OC हमारे पास हो गया t, क्योंकि OC और AD दोनों इक्वल रहेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, और यही हमारी इक्वेशन है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू, इसको दे लेते हैं तो u प्लस ए टी। डियर स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैसेज करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड में दो तरीके हैं करने के लिए, हम दोनों तरीकों पर डिस्कस करते हैं। पहला तरीका ये क्या है
कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ओ से ए पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा, बी से कंप्लीटली सी पे पहुंचा। तो हम टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टोटल एरिया ओ ए बी सी है। तो इस तरीका से हम यह ऐसे कर लें इसको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए बी, ओ ए बी सी, ये अब ओ ए बी सी में यदि हम लेते हैं तो टोटल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओ ए, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ ए डी सी होता है आप कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड, तो हम कह सकते हैं ओ ए इंटू ओ सी प्लस वन अपॉन टू, ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास हो गया ए डी, परपेंडिकुलर हमारे पास डिस्टेंस होगी बी डी। अब जरा देखना तो करें कि ओ ए एंड ओ सी, ओ ए हमारे पास है यू, ओ सी हमारे पास है टी प्लस वन अपॉन टू, और ए डी, ए डी हमारे पास है टी एंड बी डी, बी डी हमारे पास है वी माइनस, ये जो हम पोर्शन निकालेंगे आगे वी माइनस यू, तो ये पोर्शन हमारे पास हो गया v माइनस यू। अब v माइनस यू फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू होगा at, तो v माइनस यू की जगह हम डाल देंगे at इसमें, तो इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू टी और ये हो गया at, तो टोटल हम देखेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी हमारे पास इक्वेशन हो गई, सिर्फ आप क्या करेंगे ट्रेपीजियम का एरिया को निकाल देंगे, तो ट्रेपीजियम का जब एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल जो शेप है इसका एरिया और प्लस ट्रायंगल जो है इसका एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई, अब आते हैं इक्वेशन थर्ड पर, तो इक्वेशन थर्ड यदि हम करते हैं तो इक्वेशन थर्ड हम कर लें, तो थर्ड में हमें करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यदि हम फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम ही आएगा, तो जब एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम आएगा तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का, डियर स्टूडेंट्स वो लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड तो ये होगी और एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा ओ ए बी सी। अब यदि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो होगा देखिए कि जो आमने सामने की जो आपकी परपेंडिकुलर साइड्स होती है, जो आमने सामने की साइड्स होती है पहले उसको ले लें ओ ए एंड बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी। अब ए डी हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है टी, क्या है टी। अब देखिए ये एस इक्वल टू ओ ए जो है वो है यू प्लस बी सी जो है दैट इज द वी एंड डिवाइडेड बाई द टू, और ये बच गया हमारे पास AD, तो AD की वैल्यू आएगी T, तो देखना जरा बोर्ड पे डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट बन गया ये, ये आता है हमारे पास, इसको हम ये सॉल्व करें, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब देखिए इधर करते हैं, तो इसमें आएगा S is equal to U plus V by 2, और T की जगह वैल्यू पुट करें V minus U is equal to AT, तो V minus U divided by A is equal to आ गया T, तो T की वैल्यू यहां पुट करें V minus U upon ए, अब इसको लिखेंगे तो एस इजिकल टू वी स्क्वायर और आएगा हमारे पास माइनस यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टू ए। अब देखने लगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू ए एस, तो आ जाएगा वी स्क्वायर इजिकल टू, ये इधर ले जाए नेगेटिव तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारे पास एक तरीका हुआ इसको निकालेगा। तो इस तरह से हम इसको नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइन्थ क्लास में इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिक्स तो राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।